अगर फैज मौजूद होते तो वो हमारे हक में ही होते हैं सर, जिस तरह से उन्होंने उनकी शायरी से जो आपको पता चलता है, तो वो और खुद भी जिस तरह से सियासी और शाऊरी शाऊर रखने वाले बंदे थे, तो हमारी तो यही गुजारिश है हुकूमत से, क्योंकि हुकूमत का चैनल है, तो हमारी गुजारिश यही है कि हम तो बातचीत करने का कह रहे हैं, हमें मुकदमों में ना फंसाएं। यूनियंस हक है स्टूडेंट्स का, यूथ 60% से ज़्यादा है, इस वक्त की जो गवर्नमेंट है वो यूथ के नाम पर उठी थी, और यूथ के साथ जो हो रहा है वो हम सबके सामने है। पता नहीं पीटीवी अब ये चलाएगा कि नहीं चलाएगा, लेकिन ये कि गुजारिश यही है कि यूनियंस का हक दिया जाए, माशरे में सवाल उठाने का हक होना चाहिए, ताकि माशरे में बेहतर तरीके से हम तकलीक के अमल में भी शामिल हो सकें। हम सवाल करेंगे तो हम देखेंगे कि क्या गलत हो रहा है, क्या ठीक हो रहा है, हम सीखेंगे और अपना हिस्सा डालेंगे। तो 60% अपनी आवाम को हिस्सा डालने से ना रोका जाए, एक प्लेटफॉर्म कोई प्रोवाइड किया जाए जिसमें वो अपनी आवाज़ रख सकें, जो कि यूनियंस की सीधा। मुझसे इस तरह के सवाल हो रहे हैं कि आपको वीज़ा मिल गया कि नहीं मिल गया, आप लिबरल हैं कि नहीं हैं, आपकी जैकेट कितने की थी, तो मैं इसमें आप मुझसे जो चाहते हैं, जिस तरह की गेम में फंसाना चाहते हैं कि मैं यही जवाब देती रहूँ और मैं इन्हीं चीज़ों में फंसी रहूँ, तो वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे पास बात एक्चुअल है करने के लिए, या तो बात ना होती ना तो मैं आपको इन चीज़ों के जवाब देती, लेकिन हमारे पास बात है जो कि यूनियंस की बात है, जो कि ये बात है कि हम यूनियंस की डिमांड लेके निकले। 50 से ज़ायद शहरों के अंदर मार्च हुई, तमाम लोग थे, कोई एक बंदा नहीं था, सारे स्टूडेंट्स थे, वो निकले, यूथ निकली जो 60% है आपकी आवाम यूथ है, और फिर उसके बाद क्या करते हैं कि बगावत के मुकदमे दायर हो जाते हैं। आलमगीर वजीर 30 नवंबर से अभी तक जेल में सड़ रहा है, ग्रेजुएट था वो पंजाब यूनिवर्सिटी से, जेंडर स्टडीज़ की डिग्री लेने आया था, अब वो अपनी ग्रेजुएट लाइफ जो है, बजाय ये कि हुकूमत हमें इस चीज़ की फराहमी दे कि हम जब ग्रेजुएट हो जाए तो हमारे पास कोई रोज़गार का तरीका हो, वो उन लोगों को जेलों में भर रही है। तो फिर ये जो बगावत के मुकदमे हैं यूनियंस की डिमांड करने के ऊपर, ये नहीं होने चाहिए, और सवाल बेहतर होने चाहिए। देखें इस तरह के सवाल होंगे, मीडिया वाले देखने किस तरह के सवाल करते हैं, जब सोचने समझने नहीं दिया जाएगा सनसनी फैलेगी, जो आँखों के सामने चीज़ बस चमकती हुई नज़र आ रही है उसके बारे में सवाल होगा, डेप्थ नहीं होगी, पीछे क्या है उसके वो नहीं, और ये हमारी रीत नहीं है। हम जो मतलब ये पंजाब में बैठे हुए हैं मतलब या इस मुल्क में बैठे हुए, हमने ये मुल्क हासिल इसलिए नहीं किया कि हम बेवकूफ़ और गधे बन जाएं, मतलब हमारी रीतों के अंदर सवाल हैं, तहकीककार हमें मतलब हमारी शायरी के अंदर ये चीज़ें मौजूद हैं, और उसके अलावा सवाल उठाने वाले भी लोग यहाँ बरेज़गीर के मौजूद हैं, और सवाल करने वाले भी, और बेहतर तख्लीक एक माशरे की बेहतर तख्लीक के अंदर हिस्सा डालने वाले भी लोग मौजूद हैं। तो हम तो सिर्फ इतनी सी बात कर रहे हैं कि वो आप अमल खोलें, आप आवाम को हक दें। एक आवाम होने की हैसियत से मैं कोई लीडर नहीं हूँ आप, या फिर मैं कोई मतलब कोई इस तरह से पर्सनालिटी नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम सियासी अपने आप को कारकुन समझती हूँ, जिसको नज़र आता है कि दुनिया एक अजीब तरीके से चल रही है, ये जो प्रॉफिट का निज़ाम है, ये जो ऊंचा नीचा निज़ाम है, बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, बहुत ज़्यादा गरीब लोग हैं, मुझे नज़र आता है कि गलत चीज़ है, हमारी नेचर के ख़िलाफ़ चीज़ है, और मुझे नज़र आता है कि लोग चाहें, जब लोग हो इकट्ठे तो हार नहीं सकते, ये इस चीज़ पे हमें यकीन है, लोग चाहें तो बेहतर एक निज़ाम तख्लीक कर सकते हैं, लेकिन उनको रोका जा रहा है, उनको फंसाया जा रहा है इसी तरह की मतलब मार्केट के अंदर, यानी कि पैसे नहीं आपकी आंखों में पर्दे डाले हुए, जाल डाला हुआ है, पैसे के लिए आप एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, इल्म हासिल करना सिर्फ पैसे नौकरी करने के लिए, अच्छे बेहतर स्लेव्स बनने के लिए नहीं है, ज़िंदगी का कुछ और हक भी है, ज़िंदगी जीने का कुछ और हक होता है, तो हम उसकी बात करते हैं, सादा सी बात है, कोई इसमें कोई मतलब वीज़ा इस तरह की बात नहीं। से क्या मुराद लेती है कि फैक्ट्रियाँ बने, मजदूरियाँ लोगों को मिले, नौकरियाँ मिले, तरक्की पसंद की तारीफ आपकी नज़र में क्या? तरक्की पसंद होना ये होता है कि माशरे में जिस तरह से भी कोई निज़ाम चल रहा है उसमें बदतदरीज बेहतरी आए, ना कि वो बदतदरीज बुरा से बुरा हो जाए। तो हम देख रहे हैं कि ये मतलब तरक्की पसंद तरक्की, हम यूएन की तरक्की की बात नहीं कर रहे कि बाहर से कोई कंपनी आके हमें बताए कि ये तरक्की है वो तरक्की, हम कह रहे हैं कि लोग खुद समझते हैं कि उनका हक किस, आप लोगों से पूछे तो सही उनकी बेहतरी किस चीज़ में है, आप लोगों ने तो निज़ाम पूरा कैद किया हुआ है जिसमें आवाम के पास सवाल करने का भी हक नहीं है, आवाज़ उठाने का भी हक नहीं है। तो तरक्की पसंद होने से मुराद यही है कि इंसानी इकदार के ऊपर मुआशरा हो। बहुत शुक्रिया।